आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं लूप्स के बारे में एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में और कंडीशंस के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। जैसे कि आपके सामने वैल्यू दिखा हुआ राइट, मुझे इसमें मान लीजिए जो ग्रेटर देन 50 है ना उसको 500 का देना है। हालांकि इसके लिए हम जनरली इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे कहते हैं ग्रेटर देन 50 है तो 500। लेकिन वीवी प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो इसमें वीवी के थ्रू करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट हमने यहां पे इफ अंडरस्कोर 1 किया ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहां पे क्या है कि सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट राइट। याद है इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज बी अंडरस्कोर आई सॉरी बी टू हो ना हाँ बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। ठीक है सिंगल सा लाइन हमने लिखा, मैं लिखा कि रेंज इफ रेंज ए टू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 500 है देन रेंज बी टू की वैल्यू 500 होनी चाहिए। सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट राइट सर। हेलो इसको रन करेंगे, इसको रन करते यहाँ कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं 50 की जगह पे 55 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि रन करते हैं यहाँ पे आपको 500 आ गया। लेकिन ये तो एक सेल पे आया ना, तो डबल डॉट लगा के रेंज वाई नहीं दे सकते दोनों क्या? नहीं नहीं एक बार में एक ही होगा सर। इसमें ए टू की जगह हम पूरी रेंज दे दें तो सर, बट इधर भी बढ़ाना पड़ेगा ना फिर रेंज। नहीं नहीं एक ही बार होगा जी, वन में वन करना पड़ेगा। इसी तो लूप कर रहे हैं इसी चीज, क्योंकि एक फॉर्मूला एक ही बार लगता है ना। अभी थोड़ी कि एक फॉर्मूला आप लगाते हो तो पूरा रेंज दे देते हैं। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ का कि यहाँ पे हम तीसरी के हम फोर लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले टू से 17 है ना 17 तक टू टू 17 और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई। तो इस लाइन को सॉरी इस लाइन को जो देख पा रहे हैं ये जो लाइन है इस लाइन को 17 टाइम टू मतलब कि 16 टाइम रन करेगा राइट सर। आई चीज को काउंट करेगा। तो याद होगा जब मैंने सीट्स के जो रिजल्ट बनाया था उसे बताया था कि आई पे यूज कर सकते हैं ना। तो ए टू के जगह पे हम आई लिख देते हैं और बी टू के जगह पे हम आई को कंबाइन कर देते हैं।
अब देखिए मैं इसको वन बाई वन प्रोसेस कर रहा हूँ, इफेक्ट से इफेक्ट किया तो जैसे आई देखिए क्या अगर टू हो गया, टू है ना सर आई, हेलो जी सर, अब ए और टू मिल गया क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा ना, एन परसेंट ज्वाइन करता है ना सर, जी सर ए टू, और बी और टू मिल गया तो बी टू इसमें डाला, ओके फिर नेक्स्ट क्या चेक किया कि टू है, 17 से ज्यादा नहीं है, फिर वापस भेजेगा, इस बार आई क्या हो गया थ्री हो गया जी, ए और थ्री मिल गया, ए और थ्री मिल गया ए थ्री, और बी और थ्री मिल गया बी थ्री, कुछ नहीं था आगे बढ़ा, कुछ नहीं था आगे बढ़ा, ऐसे आई अपना मान चेंज कर रहा है और जहां जहां ग्रेटर देन 50 है वहां वहां रिजल्ट डालते जा रहा है, ठीक है सर, इसे बन बन करके रन करते हैं तो कौन सी की है सर, एफेट है एफेट, सर एफेट, यहां डिबग में एफेट, ओके ठीक है क्लियर है राजेश जी, सर ये सिंगल सिंगल जो रिजल्ट दे रहा है तो ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल रन कर रहा हूँ एफेट से, एफेट एफेट रन कर रहा हूँ ना, इसलिए एक बार आई दबा देंगे तो पूरा निकल आएगा, हाँ एक बार दबाइए F5 पूरा हो जाएगा, ठीक है एफेट में इसलिए सिंगल टाइम मैंने इसलिए रन किया ताकि आप देख सके कि सर, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, नहीं नहीं सर वो ठीक है बट रिजल्ट कुछ कॉलम पे दे रहा है कुछ नहीं दे रहा, वो उसके लिए सर कंडीशन नहीं मैच कर रही ना, 18 है तो 18 थोड़ी देगा, 50 से ऊपर जो होंगे वो उनमें आएगा 5 क्या दिया है, ओके 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 अंडरस्टैंड सर, जो कंडीशन हमने यही दी है 50 से ऊपर रहेगा तो रिजल्ट देगा उस कॉलम पे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं देगा, अब मान लीजिए 50 से नीचे वाले जो है ना सर, जो 50 से नीचे है उस पे मान लीजिए मैं 50 का देना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो इसके लिए हमें माइक्रो को तो इसको चेंज करना, बाकी सबको तो सेम रहेगा, बस देन के बाद मुझे इसको तोड़ के नहीं चलाना पड़ेगा, और फिर इसमें क्या देना पड़ेगा एल्स, ठीक है कंडीशन यहाँ बदलनी पड़ेगी, हाँ और फिर यहाँ पे एल्स एंड इफ, क्योंकि सर क्या है ना कि ये जो मेथड बताया कि एक ही लाइन में सब कुछ लिख दो वो सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट पे है, समझे जी जी, मल्टीपल रिजल्ट, क्योंकि एक बार में एक एक लाइन में एक ही काम होता है ना सर, जब आपके पास एक से ज्यादा काम है तो लाइन चेंज करने पड़ेंगे, जब लाइन चेंज करेंगे तो इफ ओपन होगा तो फिर हमको क्लोज करना पड़ जाएगा, क्लोज करना पड़ेगा एंड इफ से, अब इसकी मदद से क्या हुआ कि इसमें एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जब मैं इसको रन किया तो जहां 500 50 50 50 दिख रहा है ना आपको सर, ठीक है जी सर, इसमें ए सर क्या लिखा एल्स सर जी, एंड इफ एल्स है सर, नहीं सर ये पांच ये रेंज बी सर है और वैल्यू ऑफ 500 के नीचे जो नहीं ई एल एस लिखा है एल्स, ये क्या है, क्या ए बोल रहे हैं आप, नहीं हाँ ये थोड़ा नीचे, हाँ ये बीच में, ये ऊपर थोड़ा ये एल्स है, हाँ ये एल्स है, ये क्या है सर एल्स एल्स, अब इफ लगाते हो तो इफ के दो पार्ट होते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स, जैसे इफ लगाया आपने ग्रेटर देन 50 किया तब के बाद ट्रू पार्ट है ना, वैल्यू इज ट्रू वैल्यू फॉल्स, तो इसमें क्या हुआ कि वैल्यू ट्रू हो गया या आपका वैल्यू फॉल्स हो गया, तो वैल्यू फॉल्स के लिए एल्स से सेग्रीगेट करते हैं कि इफ रेंज ग्रेटर देन 50 देन इसो करो एल्स इसो करो, और यहां पे एंड इफ हो जाएगा, सर ने दो कंडीशन दे दी ना सुधीर कि यदि ये है तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं उठाएगा, हाँ मतलब कि कंडीशन मैच हुआ तो 500 दो, कंडीशन मैच नहीं हुआ बाकी कुछ और है तो इसमें 50 कोई फिक्स कर दिया, ये देखो ओके सर ट्रू है तो ये दे एल्स है तो ये दे, उन्होंने फिक्स कर दिया उसको, ठीक है आ गया समझ में आ गया सर, डाउट इसमें नहीं, नहीं सर समझ में आ गया समझ में आ गया, आगे बढ़े सर जी सर, इसमें सर आगे बढ़े सर, सर इसमें टैक्स भी दे सकते हैं ना, जैसे वैल्यू की जगह इन्वर्टर घुमाने, टैक्स इन्वर्टर घुमाने, हां इन्वर्टर जी सर, ओके ठीक है सर, यहां पे वैल्यू डेसिमल में होगा तो भी ले लेगा ना ये, हाँ कुछ भी हो उस मतलब नहीं, ओके सर ओके, ठीक है
ओके सर, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसमें मुझे दो ये हो जाता है कि मेरे पास जो है कुछ और काम भी है, जैसे मैं चाहता हूँ जो जिसपे जिसपे वैल्यू मिला है 500, उसको कलर रेड कर दे, तो इसमें आप दो लाइन भी दे सकते हैं, रेंज बी के साथ आई को कंबाइन किया डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू। ऐसे आप मैंने कि इफ और एल्स और एल्स और एंड इफ के बीच में आप जितना मर्जी उतना लाइन को ऐड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? कि अगर कंडीशन हो तो क्या क्या करें और कंडीशन ना हो तो क्या क्या करें। और एल्स आपको यहां जैसे बताया ऊपर कि एल्स देना जरूरी भी नहीं है, विदाउट एल्स के भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है जी सर, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मल्टीपल कंडीशन हुआ तो, जैसे मैं चाहता हूं कि 50 to 80 के बीच के जो भी आते हैं यहाँ पे, उस पे मुझे 1000 देना है, अदरवाइज 0 देना है। यहाँ 3 4 करता हूं तो यहां कंडीशंस जो है वो बिल्कुल रहने दीजिए, ठीक है? और यहीं पे हम दे देंगे फॉर्मूला एंड का कि एंड, और हम ए ग्रेटर देन 50 और एंड लगा दिया, और इसमें कर देंगे हम लेस देन 80, लेस देन 80, ठीक है? क्लियर है जी सर, समझे? जी सर, समझे। मैं कह सर इसमें तीनों कंडीशन काम करेगी अब? जी डाउट सर इसमें थोड़ा फिर से बताएं सर। तीनों कंडीशन है, दो कंडीशन काम करेगा ना सर, बस एंड लगा दिया यहां पे, दो कंडीशन डाल दिए हैं। ये देखिए, अब देखिए जी कि भाई ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, ओके समझे? मैं होल्ड पे हूँ सर, आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी सर। एंड की जगह पे आप और भी लगा सकते हैं, अगर कंडीशंस ये हुए कि भाई दोनों में से एक जैसा हो तो, ठीक है? और दो ही है, तीन करना है तीन भी कर सकते हैं, एंड एंड वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इफ इफ और लूप दो चीज समझ गए आप इसमें? जी, लास्ट वाला सर रिजल्ट देखना चाहूंगा थोड़ा कैसे कर रहे हैं। इसको डिलीट कर देता हूं, देखिए आपने दिया 50 और 80 के बीच में तो 1000 है, तो मुझे लग रहा है कंडीशन वैल्यू की चेंज करनी पड़ेगी क्या सर? सर अगर एक जगह अगर 100 लिख देते हैं हम कहीं पे,
तो कुछ भी लिख सकते हो उसपे। कुछ भी लिख सकते हैं सर, अगर टेक्स्ट है तो इन्वर्टर कॉमा लगाइए, ओके, आप कंडीशन काम की कि ग्रेटर देन 50 है ये, अदरवाइज 50 80 बीच में ये। ठीक है सर इसमें लेस लेस देन जो सर हमने 80 दे दिया है, अगर 80 से ऊपर हमारा नंबर जाता है तो 50 ही आएगा। 80 से ऊपर जाएगा तो सुधीर फिर 1000 लेगा ना। नहीं, इसमें ग्रेटर देन 50 से लेस देन 80 के बीच में जो आए वो लेगा, उसमें 50 1000 से हमारा बड़ा चला और जाए। 80 से छोटा हाँ लेकिन जब 80 से ऊपर कोई नंबर हमारा जाएगा तो क्या दिखाएगा? 50 दिखाएगा, क्योंकि 50 दिखाएगा ना, डिजिट उसके लिए हमने कंडीशन नहीं दी। राशि पे देखिए ठीक है, 50 दिखाया हुआ, देखिए। जी जी सर, क्योंकि उसके लिए हमने कंडीशन नहीं दी ना सर, इसलिए। और उसके बाद एल्स कर दिया ना हमने, भाई उसके अलावा यस कुछ और भी हो तो 50 हो जाए, मैंने दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ओके, अदरवाइज यहाँ हम कर सकते हैं, एल्स में सर कर देंगे तो वो उठा लेगा, एल्स में जो कर देंगे तो वो जो हमने उठा 50 लिखा वहां कुछ कर देंगे तो वो भी उठा लेंगे। जी। ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। जी सर, हाँ सर पूरा समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्लियर है? जी एक एक काम करे, कुछ इफ की एग्जाम्पल बनाए और फिर भेजे, श्योर सर, एग्जाम्पल के बगैर नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इसे सर कोडिंग को भेज दें व्हाट्सएप पे सर। जी जरूर जरूर, कोडिंग भी भेज देते हैं और हम आपको और इफ का आर्टिकल भी दे देते हैं। ठीक है, जी सर, सर कुछ और भी पूछूंगा अभी, वो बोलिए। स्टॉप नहीं कीजिएगा सर। जूम में लाइक सर स्क्रीन शेयर करना है तो आप परमिशन कहाँ से देते हैं सर, वो थोड़ा जानना था सर। मेरे को होस्ट होता है उसी में जाइएगा ना, तो जी साइड में जहां रिकॉर्डिंग की परमिशन होती है उसी ऊपर होता है मेरे को होस्ट, होस्ट बना दीजिए उसको, अपना स्टॉप शेयर कर दीजिए, ओके शेयर कर देगा। ओके ठीक है, जी।